ये बताता हूं कि आज कुछ और कॉन्ट्रा कॉल लेने वालों की कमी नहीं है। हालांकि हम दोनों पक्ष सामने रखेंगे, बुलिश एंड बेरिश। आप अपना चुनाव खुद करें कि आपको लेना है या नहीं। लेकिन विनी, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं अब इतनी गिरावट के बाद जोमेटो पे? हमने देखा है कि जोमैटो का शेयर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी प्रेशर में रहा है। कल भी काफ़ी प्रेशर में था, 10% डाउन से ज़्यादा फॉल हुए थे। पर आज एक जेफरीज की नोट आ रही है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि काफ़ी कन्विक्शन उनका है उनकी कंपनी पे, जोमैटो पे। वो बाय मेंटेन कर रहे हैं जोमैटो की स्टॉक पे, और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपीज़ पर शेयर। उन्होंने ये भी कहा है, हाँ स्टॉक बिल्कुल प्रेशर में रहा है, ग्लोबल पीयर्स से अंडर परफॉर्म भी किया है लास्ट 1 to 3 मंथ्स में, पर ओवरऑल ग्लोबली जो देखे, क्योंकि फेड टाइटनिंग पॉलिसी आ रही थी, इन्वेस्टर्स कैश पे ज़्यादा फोकस कर रहे, तो ग्लोबली भी फूड टेक कंपनीज ने प्रेशर देखी हुई है लास्ट 6 to 1 ईयर में। तो जोमैटो उस ट्रेंड में सिमिलर ही है ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से। ना वो पॉजिटिव क्यों है स्टॉक पे, वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी जो जर्नी है, जो उनका एम है कि वो बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स फोकस करेंगे, अभी वो वहाँ पे काफ़ी फोकस्ड है। उसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वो ब्रेक इवन भी करेंगे अपने फूड डिलीवरी बिजनेस में नियर टर्म में ही, तो वो एक फैक्टर है जो पॉजिटिव है जोमैटो के लिए, और ये जेफरीज हाईलाइट कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल जोमैटो की इबिटा परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि मैनेजमेंट लोअर सीएसी पे फोकस कर रहे हैं इन, और एमएयूज भी इम्प्रूव करने की, दैट इज़ मंथली एवरेज यूजर्स इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और कंपनी ने ये भी कहा हुआ है कि वो कैश कंजर्व भी करेंगे, कैश भी बचाएंगे, तो ये एक मेन फोकस एरिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जो जेफरीज को काफ़ी पॉजिटिव रख रहा है कि जोमैटो के स्टॉक पे। जेफरीज ने ये भी हाईलाइट किया कि वो बिलीव कर रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो अभी जो कंपटीशन हाई कंपटीशन थी वो वर्स्ट पार्ट था, वो बिहाइंड है, और अब इंडस्ट्री विभोर एक पॉजिटिव नोट आता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी छोटे स्टॉक्स पे अक्सर देखा गया है कि जब इस तरह से गिरता है एक समय पे पॉपुलर स्टॉक्स जो होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर की रुचि बड़ी बन जाती है कि अरे 50 के नीचे आ गया ले लूं, क्या 45 के नीचे आ गया क्या ले लूं। आप बताइए इस समय चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसके, क्योंकि कल की बड़ी गिरावट के बाद भी आज भी 6% नीचे। मैंने जो यहाँ पर एक सपोर्ट था जो जब जोमैटो लिस्ट हुआ था तो वो 120 के आसपास का जो कैंडल सपोर्ट था, जैसे ही अगर आप देखेंगे जिस दिन ये इससे नीचे गया है कभी उठ के वापस नहीं आया, और उस वीक में भी 21% का फॉल था। फिर उसके बाद लास्ट 2 हफ्ते पहले भी समथिंग अराउंड 20% का फॉल था। गैर नंबर से जो मेरा टारगेट आएगा वो रहेगा 36। और अगर हम फंडामेंटली भी देखें, एक कंपनी जो बैक टू बैक लॉसेस क्रिएट कर रही है, थोड़े बहुत अपने बिजनेस इसने भी वाइंड अप करे, तो मैं वो क्यों ऐड करूं एट 44 और 45, जहां पर मेरे पास प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनीज अवेलेबल है एट 44, 45, 50 की रेंज में। सही है डिम्पी, अभी